नया केस आया है भैया, इन लौंडों ने स्कूल के तीसरे माले से वाटर कूलर नीचे फेंक दिया है। केस एकदम आरओ वाटर जैसा साफ है। सेक्शन 425 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत इन लड़कों ने क्या किया है, डैमेज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी किया है ना, तो जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ साथ 3 महीने की कैद होगी। अरे तुम हो कौन? ये समझ लीजिए कि हम आपके रक्षक हैं, आपके वकील नहीं है ना, तो 50% फीस पे हम आपका केस लड़ने के लिए तैयार हैं। आप भी खुश, हम भी खुश। कैश है आपके पास? QR कोड है हमारे पास, स्कैन कीजिए, भर दीजिए। शक्ल जाने पहचाने सी लग रही है। क्योंकि है अम्मा वकील तो ये बाद में, पहले तो ये हमारी इंस्पिरेशन है। स्कूल का हर लड़का इनका ही नाम लेके तो कांड करता था। अबे यार केमिस्ट्री लैब को धुआं धुआं कर देने वाले लेजेंड यही तो हैं। तिवारी जी हमको पहचान नहीं रहे, मगर हमारी पीठ तिवारी जी को बहुत अच्छी तरह जानती है। इनकी कोहनियों के निशान आज भी हैं हमारी पीठ पर। लखन लीला भार्गव। अरे बहुत सही पहचान। अच्छा ये बता, तुझे तो क्रिमिनल होना चाहिए था, तू लॉयर कैसे हो गया? हम थोड़े से क्रिमिनल हैं, थोड़े से लॉयर हैं, इसीलिए क्रिमिनल लॉयर। तू मेरे लिए परफेक्ट आदमी है। अब एक काम कर, इन दोनों को बाजार में, समाज में नंगा कर कर दौड़ा दौड़ा के मार के इनको दोनों को अंदर कर। केवल टंकी तोड़ने के लिए इन बच्चों को नंगा करके दौड़ा दौड़ा के मारे? हम केस नहीं लड़ेंगे। अरे क्यों? ना ना नहीं लड़ेंगे। अरे हमारी अम्मा कहती हैं अगर गुरु खराब हो ना उसको शिष्य को खराब करने का कोई हक नहीं, जैसा गुरु वैसे ही शिष्य निकलेंगे ना। है? इनको देखो जरा, इनके दांत जो है तंबाकू खा खा के खराब हो चुके हैं। कोर्ट परिसर में ये देखो, एक मिनट, कोर्ट परिसर में ये देखो शराब लेकर आया, वो भी खाली है। अपने स्वार्थ के लिए आप इनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। मेंटल हैरेसमेंट पलट के इन्होंने केस कर दिया ना, 3 साल के लिए जेल जाएंगे और हम लड़ेंगे भी इनका केस। बताइए भेजे 3 साल के लिए? भेजे? अरे तुम क्या कर रहे हो, पुलिस वाले पकड़ो इनको, मेंटल हैरेसमेंट छोड़ो छोड़ो छोड़ो। यार इतनी मेहनत से केस लेके आए थे, आपके लिए एरिया रगड़ के साला आप छोड़ दिया इसे जाने। ऐसा गधे, ये आड़े टेढ़े क्लाइंट लेकर के हमारे पास ना आया करो तुम। कानून सेकेंडरी है, न्याय प्राइमरी है। टक्के मर रहे हमारे दुश्मन, तुम लोग तो कुछ भी सोच रहे हो। अम्मा तुम लोग को तो बस ड्रामा चाहिए है ना, रियल लाइफ में तमाशा देखने आए हो। छोड़ो ना। अरे एक मिनट, क्लियर कर रहे हैं पता नहीं क्या क्या सोच रहे। पंखा साफ कर रहे थे, पंखा साफ कर रहे थे तो टीवी क्यों इतनी जोर से चला रखा है? टीवी है? अरे हमारे घर भी टीवी है। अम्मा नागिन चलो डिंकी केबल वाला तार लगा दो फटाफट। पूरा मोहल्ला अपने सर पर उठा लिया तुमने, किन लोगों के लिए? इनके लिए? इनको फर्क पड़ता है तुम्हारे हुनर से? शेषनाग रानी मुझे इंसाफ दीजिए, मेरे गुनाहगारों को सजा दीजिए। अम्मा ऐसी कौन सी सम्मान शक्ति है इसमें कि तुम खो ही जाती हो एकदम? मेकअप कर लेती है, एक्टिंग वैक्टिंग तो आती है नहीं। अब हर किसी के अंदर हमारी अम्मा इतना टैलेंट तो है नहीं, तो ठीक ही कर रही है हीरोइन। नागिन की बात नहीं कर रही हूँ तो? वो पीछे देख, जूनियर आर्टिस्ट, तेरे सामने औरत नागिन बन रही है। चेहरा भी नेल बट्टे सन्नाटा कर मैं होती ना तो क्या चन्नाटेदार एक्सप्रेशन देती, लोग फिल्म भूल जाते मुझे याद रखते। अच्छा अब करके बताओ। गजब ऑस्कर अम्मा, ऑस्कर भौकाल, जितनी भी ताली ठोकी जाए उतनी कम है अम्मा। ओवर एक्टिंग है ये, अगर कोई बोले तो मानना मत, आपके बेटे के लिए तो आपके सामने मेरिल स्ट्रीप फेल। माहौल ओवर हो ना तो ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है, तू क्या समझेगा? हट अब रास्ते से। और आज कंफ्यूजन की वजह से हल्ला मच गया, लेकिन जल्दी से प्राउड फील नहीं कराया ना, तो अगली बार पंखा साफ करने के बजाय अपने आप को ही। ए अम्मा ये आज बोल दिया, आज के बाद बोलना मत कभी, बेकार की बात ना किया करो तुम हमसे।